लोकसभा चुनाव 2024 के में कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पुरजोर तैयारियां कर रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां गठजोड़ की राजनीति भी खूब करती हैं, या यूं कहें कि दूसरे दलों के नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करने में पीछे नहीं रहती। उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कार्यक्रम करने जा रही, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा यूं तो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन विपक्षी नेताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बगैर भाजपा का काम चलता ही नहीं, हमेशा तोड़फोड़ करने में बीजेपी आगे रहती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, भाजपा खोखली हो चुकी है और बीजेपी जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं करती, इसलिए जनता अब बीजेपी को नकार रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी है, इस देश के अंदर जो है उसके मुकाबले की कोई पार्टी है ही नहीं, और फिर भी वो जो है विपक्ष के नेताओं के भरोसे रहती है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के भरोसे रहती है, तोड़ फोड़ के बिना उसका काम चलता ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा से खोखली पार्टी इस देश के अंदर कोई नहीं है, उसका कोई आधार जनाधार नहीं है, केवल जुमलेबाजी, फर्जी विज्ञापनबाजी, झूठ के सहारे जो है भाजपा का काम चल रहा है। और अभी भी आप देख लीजिए, जो युवाओं की रैली हो रही है, भाजपा के अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आप इंस्टीट्यूट के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके भीड़ ला रहे हैं। आपके पास अगर कार्यकर्ता होते तो इस तरीके से आपको भीड़ जुटानी न पड़ती। यही भाजपा का जो है असली चेहरा है। भाजपा खोखली हो चुकी है, जनता का विश्वास उससे उठ चुका है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार।